चलो अब ये कहता है एक सर्कुलर लूप है जिसकी एरिया दिया हुआ कैरिंग करंट 10 एम्पियर। एक सर्कुलर लूप लेके आए हम लोग, इमेजिन कर लो कि ये सर्कुलर लूप है और ये सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप कैसे रखा गया भाई? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, चलो मान लो यहाँ पे अपने जो भी ये रूम है, क्लासरूम हम लोग का, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो मैं ऐसे रखूंगा ना यार, ठीक है? अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजेंटल है तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रखूंगा। तो अगर मैं कॉयल को मैं ऐसे रखा तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा? डिपेंडिंग अपन डायरेक्शन ऑफ करेंट फ्लो। अगर ऐसे करेंट फ्लो हो रही है तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ जाएगा, अगर ऐसे फ्लो हो रही तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट आ जाएगा। मतलब एरिया वेक्टर या तो मैग्नेटिक फील्ड के आएगा अगर परपेंडिकुलर रखे हो तब, और उसी के अगर प्लेन में रखे हो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, कॉयल का प्लेन उसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो एरिया वेक्टर ऊपर आ जाएगा या तो नीचे आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ करेंट फ्लो। तो ये कहता है टॉर्क उस पर कितना लगेगा। सिंपल सी बात है, टॉर्क का डिफिनेशन क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू होता है एम क्रॉस बी। टॉर्क एक्टिंग यानी कॉयल इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। स्केलर में लिखोगे तो ये आ जाएगा एम बी साइन थीटा। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अगर एक कॉयल ऐसे है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर कैसे निकालते हैं? जिधर कॉयल में करंट फ्लो हो रहा है, अभी ऐसे है कॉयल, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड की जो फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में मोड़ दो। अगर इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है और थंब को ओपन कर दो, मैग्नेटिक मोमेंट बताएगा। तो ये हमने ओपन कर दिया ऐसे, करंट ऐसे फ्लो हो रहा तो थंब इधर आया, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड तीनों इधर ही आ जाते हैं, ठीक है? तो ये हमेशा याद कर लो, अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो एरिया वेक्टर इसका इधर आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर आ जाएगा, और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी सेंटर पे जो भी बनेगा वो ऐसे इधर आ जाएगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट। अगर इसका देखोगे तो नॉर्थ पोल इधर आएगा और साउथ पोल इधर आ जाएगा, ठीक है? अब जो हाँ अब ऐसे हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए हो वो भी इधर ही है यार। तो अगर एक करंट कैरिंग कॉयल ऐसे है और इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल जो हमने अप्लाई किया है, ये वाला नहीं यार, ये तो मैं समझाने के लिए आपको किया हूँ, ये तो ये जो बनाया है वो उसका है, एक्सटर्नल बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला, ठीक है? तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो भी इधर है, तो थीटा चला गया कितना? 0। तो टॉर्क कितना आ जाएगा? एम बी साइन 0, और एम बी साइन 0 टॉर्क 0 फील करेगा, मतलब ये रोटेट जो है इसका रोटेशनल इफेक्ट 0 होगा, टॉर्क 0 फील करेगा, ये मतलब सी ऑप्शन।